हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे उत्थान एकादशी का महात्म्य। स्कंद पुराण में ब्रह्मदेव तथा नारद मुनि के संवादों में उत्थान अथवा प्रबोधिनी एकादशी की महिमा कही गई है। एक बार ब्रह्मदेव देवर्षि नारद को कहने लगे, हे ऋषिवर, सभी को पुण्य आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली उत्थान एकादशी के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आती है। इस एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य सहस्र अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजस्व यज्ञ करके मिलने वाले पुण्य से भी कई गुना अधिक है। यह सुनने के पश्चात नारद जी ने पूछा, हे पिताश्री, एक समय खाने से अथवा पूर्ण उपवास करके प्राप्त होने वाले फल के विषय में कृपया आप बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, एकादशी को एक समय खाने से उसके केवल एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो केवल रसाहार करता है उसके 2 जन्मों के पापों का नाश होता है, पर जो पूरा दिन उपवास करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। हे पुत्र, उत्थान एकादशी के पालन से त्रिभुवन में अनिश्चित न मिलने वाला और बहुत ही दुर्लभ ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। मंदार पर्वत के समान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन के पुण्य की तुलना सिर्फ सुमेरु पर्वत से ही की जा सकती है। जो विष्णु की भक्ति नहीं करते परस्त्री भोग करते हैं, जो नास्तिक है वेदों का अपमान करते हैं, जो मूर्ख हैं उनके लिए धार्मिक तत्व का प्रश्न ही नहीं आता। इसीलिए किसी को भी पाप नहीं करना चाहिए, सिर्फ पुण्य कर्म ही करना चाहिए। पुण्य कर्मों में लगने से धार्मिक तत्वों का नाश नहीं होता। जो भी निश्चयपूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करता है उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी रात को जागरण करता है उसके भूत वर्तमान भविष्य की पीढ़ियाँ वैकुंठ प्राप्त करती है। हे नारद, जो भी कार्तिक मास में विष्णु की पूजा तथा एकादशी व्रत का पालन नहीं करता उसके सभी पुण्यों का क्षय होता है। इसीलिए निश्चित रूप से हर एक को कार्तिक मास में विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस मास में अन्य द्वारा बनाया गया अन्न न खाने से चंद्रायण व्रत का पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में जो भी भगवान विष्णु के गुणों का लीला का श्रवण करता है उसे 100 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। नियमित वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है। जो भगवत कथा के श्रवण के पश्चात वक्ता को दक्षिणा देता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने कहा, हे स्वामी, कृपया यह एकादशी कैसे करनी चाहिए, इस विषय में आप हमें बताइए। पितामह ब्रह्मदेव ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान केशव की उपासना करें। इस तरह व्रत धारण करें कि हे अरविंदाक्ष, एकादशी को मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, केवल द्वादशी को ही अन्न ग्रहण करूँगा। हे अच्युत, कृपया आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मदेव ने आगे कहा, संपूर्ण दिन भक्तिभाव से व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु के पास बैठकर भजन कीर्तन लीला का श्रवण करके जागरण करना चाहिए। एकादशी दिन लोभ की वृत्ति का त्याग करना चाहिए। जो भी पुण्यवान इस प्रकार से व्रत का पालन करता है उसे अंतिम ध्येय की प्राप्ति होती है। जो कोई भी इस दिन भगवान जनार्दन को कदम के फूल अर्पण करता है उसे कभी यमलोक नहीं जाना पड़ता। जो गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को कार्तिक मास में गुलाब के फूल अर्पण करता है उसे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो कोई भी अशोक वृक्ष के फूल भगवान को अर्पण करता है उसे सूर्य चंद्र होने तक दुख भोगना नहीं पड़ता। शमी वृक्ष के पत्तों से जो भगवान की पूजा करता है उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। वर्षा ऋतु में जो जगदीश्वर विष्णु की पूजा चंपक फूलों से करता है उसका भौतिक विश्व में जन्म नहीं होता। जो पीले रंग के केतकी के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह करोड़ों जन्म में किए हुए पापों से मुक्त होता है। सहस्रदल लाल रंग के कमल के फूलों से जो भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं वह भगवान के श्वेतदीप नामक धाम की प्राप्ति करते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, एकादशी के रात को जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर व्रत पूर्ण करें। अपनी क्षमता के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की पूजा करके उन्हें योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा।